सबसे पहले तो अम्मे मात कीजिए। सबसे पहले तो मैं सुषमा ताई का आज तहे दिल से स्वागत करता हूँ। क्या जो उन मैंने एक रिक्वेस्ट डाला था कि ताई आप आइए, यहाँ पर गरबा खेलते हैं, और उन्होंने बोला कि पूछा मुझे कि मैं आ सकती हूँ। मैं बोला क्यों नहीं आ सकते हो, आप मेरी ताई हो और मैं कोई कास्ट के हिसाब से नहीं जाऊँगा। आप जितने भी लोगों को लेके आना चाहते हो तो आप आइए, मैं आपके और आपके समाज के साथ हमेशा साथ में रहूँगा। और हम लोग ने कुछ प्रोग्राम भी डिस्कस किया है, और जैसे आप बोलो कि मेरा फोर्थ सेशन है, फोर्थ सेशन में मैंने स्टार्ट किया था 5 बच्चियों के साथ। आज आप देखते हो कि बच्ची से लेके माताएं और सब एज के और सब भाई सब खेल रहे हैं यहाँ पर, और ये निशुल्क है। और मैं आशा करता हूँ कि माँ अम्बे मुझे ताकत दे कि मैं हर साल इसी तरह से प्रोग्राम निशुल्क में गरबा सिखाने का ले सकूँ। सर, आपको आपसे लोग जुड़े होने के लिए कहते हैं, आप किस तरह से जुड़े हैं? देखिए, मैं बहुत ग्राउंड लेवल पे काम करता हूँ। जैसे हमारे सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी ने कल आपको भी कहा है कि धर्मेश को लेटर मिला है, मगर वो उसका पहला और आखिरी नहीं। उनका समझाने का तरीका ये था कि वो लेटर फर्स्ट एंड लास्ट नहीं है, और उन्होंने ये मुझे बहुत अच्छी एडवाइस दी है कि जैसा मैं काम करता हूँ ग्राउंड लेवल के ऊपर, सबके दिलों में रहता हूँ, वैसा तू भी आगे बढ़, और कोशिश ये भी कर कि तेरे पीछे और भी लोग इस तरह से मुहिम को आगे चलाते रहे, ताकि आज जो भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है कि सबका साथ सबका विकास, वो लेके चलो। और सबसे पहले मैं श्री गोपाल शेट्टी साहब का धन्यवाद करूंगा, श्री सुनील राणे जी का मैं धन्यवाद करूंगा, हमारे जिला अध्यक्ष श्री गणेश खनकर जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष गुजराती सेल के श्री कमलेश त्रिवेदी का मैं दिल से आभारी हूं कि सबके साथ के साथ मैं आज इस तरह से ये प्लेटफॉर्म पे मैं काम कर पा रहा हूं। मैंने एक छोटी सी सोच ली थी कि 24 घंटे में एक कैसे डिसाइड किया था कि भाई मुझे ये प्रोग्राम लेना है, मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं आगे क्या करूँगा, मगर सबका साथ होने के कारण मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरी ताई आई है, ना कि सिर्फ बोलने में ताई है, मगर हम दो दिन पहले मिले हैं, मगर एक विश्वास एक दूसरे के अंदर ऐसा है कि भाई उनको भी मेरे साथ अच्छा लग रहा है और मुझे भी उनके साथ काम करना बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग ने कुछ बातें ऐसी भी की है, चर्चा विमर्श किया है ताई के साथ, सुषमा ताई के साथ, कि हम लोग गोराई में जाके वहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, साथ में मेरा तारामा चैरिटेबल ट्रस्ट, हमसे जो हो सकेगा हम वहाँ पर कंपटीशन लेंगे, बच्चों को शिक्षण करेंगे, बच्चों के अंदर स्किल डेवलपमेंट करेंगे, और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम है मेरे पास जो मेरे दिमाग में है। तो मैंने ताई के साथ पहले बात, अब सीनियर सिटीजन आ रहे, कैसा लग रहा है, कैसा एंजॉयमेंट है, कैसा एक्सपीरियंस है, बताइए। हमने जब पहले दिन शुरू किया था तब मेरे पास कुछ 4-5 बच्चे थे, एंड टचवुड आज वो 4-5 से शायद 30-35 बच्चे ही है। किसने बोला सीनियर सिटीजन्स है यहाँ पे? दे ऑल आर किड्स रियली। मतलब अभी हम लोगों ने 1 घंटा जो खेला ना, मुझे पता नहीं कि कोई एक इंसान भी जाके बैठा हो, मतलब सभी ने उतने ही जोश के साथ पूरा टाइम गरबा खेला है। तो दिस इज टू गुड, और इन सबकी एनर्जी बहुत बहुत बढ़िया है। बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट आपको मुझसे नहीं, इन लोगों से पूछना चाहिए कि उन्हें कितना मज़ा आया। मुझे तो ऑफ कोर्स टीचिंग करने में कैसा, मतलब लाइक बहुत ज़्यादा, मतलब अपने से बड़े लोगों को भी सिखाना एक आर्ट होता है या एक्सपीरियंस पे, कैसा लग रहा है? या सी, अपने से बड़ों को सिखाना और अपने से छोटे सबसे बच्चों को सिखाना, वो दोनों चीज़ें ना सेम होती है। और यहाँ पे लोगों में उत्साह इतना ज़्यादा था गरबा को लेके कि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छे से सारे स्टेप्स कैच किए और बहुत अच्छे से खेला। आपको गरबा टीच करने का बच्चों के साथ साथ सीनियर सिटीजन ने कैसे एक्सपीरियंस चौथा दिन है, क्या लग रहा है? जैसे कि दिव्या मिस ने कहा कि ये सीनियर सिटीजन नहीं है, दिस इज अ जूनियर ग्रुप, बच्चों का ग्रुप है, लेकिन बच्चों के साथ जो उमंग, जो उत्साह जो होता है, जो एनर्जी होता है, वो उनसे ही मिलता है हमें, और जो हमारी एनर्जी होती है उनको देख के लाइक और भी ज़्यादा बढ़ती है। तो उनको सिखा के इतना अच्छा लगता है कि लाइक, और जो बीजेपी की तरफ से जो ये ऑर्गेनाइज किया है धर्मेश भाई के अंडर, जो हमारे अध्यक्ष हैं उनके, तो उनके तरफ से लाइक आई एम थैंकिंग हिम अ लॉट कि उनकी वजह से हमको यहाँ पर फ्री में सिखाने मिल रहा है। और वो जो फ्री सिखाने वाली जो मतलब एक एंजॉयमेंट है, एक जो खुशी है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। पहले से ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा क्राउड है। पहले 4 से 5 बच्चे थे, या इतने बड़े हॉल में 5 बच्चे थे, और हम लोग लाइक कि नहीं धर्मेश भाई हमको बोलते और आएंगे और आएंगे, तो जैसे डे बढ़ता रह गया, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, बच्चे बढ़ते गए, 30 से 35 बच्चे हो गए, तो लाइक और भी मज़ा आ रहा है। हम लोग को यही चल रहा है कि और सेकेंड डे अभी संडे कभी आएगा तो हम लोग वापस करेंगे, ऐसा हो रहा है।
अच्छा रहा, दिव्या मैडम और हिरेन भाई ने बहुत अच्छा सिखाया। हमने हमको कोई स्टेप आता ही नहीं था, लेकिन इतना अच्छे से सिखाया, बहुत मज़ा आया और बहुत बहुत एंजॉय किया हमने, छोटे से बड़े तक सब ने एंजॉय किया। थैंक यू सो मच। दूसरे गरबा भी के भाई माता जी को याद करके जो नवरात्रि नौ दिन जो अमर माता जी का गरबा के साथ साथ आबाल उरुद यानी कि महिला पुरुष सभी लोग इस प्रकार गरबा लेते हैं, जिसको आप इंग्लिश में डांस कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही बढ़िया धर्मेश भाई ने आज सभी गुजराती मंडली को आनंदित किया है, इसलिए हम सहदिल से धर्मेश जी का अभिनंदन करते हैं। और SNI चैनल के जरिए आज जो आपने हमारा इंटरव्यू सभी का लिया है, तो आपका भी हम धन्यवाद अदा करते हैं। बोलो अम्बे मात की जय। तुमने शाहजी है और ये जो धर्मेश भाई जोशी ने हमारे गोपाल शेट्टी साहब सांसद की ओर से जो एक अच्छा गरबा का सिखाने के लिए बेटियों को और महिलाओं को जो एक अच्छा चांस दिया है, तो उसमें धर्मेश भाई ने जो ये शुरुआत की उसमें हमारी गरबा क्वीन दिव्या बेन सोनी है और गरबा किंग है जो हिरेन पांचाल जी है, उन सबके नेतृत्व में इतना अच्छा हमारी उत्तर मुंबई जिला की गुजराती टीम के साथ साथ सभी मंडली इस प्रकार हम लोग गरबा का आनंद लेते हैं कि आबाल वृद्ध यानी कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े सभी थिरकते नजर आते हैं। और अभी आपने जो सवाल किया था कि कौन सा गरबा, तो केसरी और रंग तने लागवेला गरबा, उस गाने का उसके मतलब जो गरबा है उसके ऊपर इतना थिरकते हैं लोग कि सभी को अपनी उम्र का भी लिहाज रहता नहीं और सभी आनंद से नाचाया है। खिलो गरबा रास वो बहुत अच्छा उठाया है और बहुत मेहनत करे धर्मेश भाई जोशी और साथ में मेरे कार्यकारी अध्यक्ष कमलेश भाई त्रिवेदी और हमारे गुजराती सेल के सब सभ्य है साथ में हैं और उनको पूरा सपोर्ट है धर्मेश भाई जोशी को। और हम इच्छते हैं कि कार्यक्रम हर एक साल ऐसा ही होवे और ये दिव्या बहन और अपने जो सिखाने वाले वीरेंद्र सर सिखाने वाले जो प्रशिक्षण है वो भी बहुत अच्छे हैं और स्टेप वगैरह बहुत अच्छे हो रहा है, तो आगे और बस मैं इधर 2-3 बार आया, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। धर्मेश भाई और उसके ग्रुप ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है और सबको अच्छा लाभ मिल रहा है, तो खुशी की बात है। और ऐसे ही कार्यक्रम अच्छे अच्छे होते रहे और आप लोग भी सहभागी होते रहे। और भाई साहब ने भी बताया कि प्रचार करना बहुत ज़रूरी है, माने वो माध्यम से सब लोग इधर आवे और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक इसमें इन्वॉल्व होवे, वही मैं आशा रखता हूँ। पहले तो मैं धर्मेश जोशी जी को अभिनंदन देना चाहता हूँ और उसके साथ में हिरेन भाई और दिव्या दोनों ने जिस तरह से ये माहौल बनाया, पहले दिन बहुत कम थे, दूसरे सेशन में और आए और बाद में जब लोगों ने वीडियो वगैरह देखा उनके बाद में जो इन्होंने इनका स्टेप इतना सिंपल बताते हैं, अच्छी तरह से बताते हैं, ग्रेसफुल भी दिखता है और अच्छी तरह से लोग पिकअप भी करते हैं, तो ये देख के हमको बहुत अच्छा लगा। हम तो खेलते हैं, अभी तो मैं जवां हूँ हम खेलते हैं और ऐसा है कि बच्चों का जो हौसला हमने देखा और एक्चुअली देखा जाओ तो मेरे ही मन की एक बात थी, कभी नवरात्रि के पहले जो पितृपक्ष चल रहा है और उनका माताजी का फाउंडेशन के द्वारा अगर ये कार्य कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये मातृ तर्पण जो बोलते हैं वो सही में मातृ तर्पण पितृ तर्पण इसी का है। और बच्चे लोग इतना खुश होते हैं, चाय पानी नाश्ता करते हैं और इतना अच्छा स्टेप इतना बढ़िया तरह से वो लोग लगा हुए हैं कि 6 बजे का हाजिर हो जाता है, तो इतना अच्छा हो जाता है, तो हमको अच्छा लगता है कि इस तरह का माहौल बना है। धर्मेश भाई ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में काम करके ऊपर लाने की कोशिश की है और गुजराती सेल के हमारे सारे यहाँ पर खड़े हैं, नाम देना मुश्किल है, लेकिन ये सारे हमारी जो कोर टीम है उनका भी साथ सरकार बहुत था। चालू किया है और अभी जैसे कमलेश भाई ने बताया कि धीरे धीरे पब्लिक बढ़ रही है, यहाँ भी आप लोगों का काम ज़्यादा बढ़ जाता है चैनल वालों का कि उसका प्रचार बराबर कीजिए, तो यहाँ पे हर एक दिन हर एक और में लोग जुड़ते जाएंगे, तो भी आपके ऊपर ये ड्यूटी है, आपकी ये ड्यूटी भी आप लोगों की है चैनल वालों की कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करके प्रसार करें उसका। अच्छा, 2 साल के बाद वापस घर पर आ रहे हैं, आपको कोरोना कैसी एक्साइटमेंट है? हाँ, सब लोग एकदम रेडी है और सब लोग के जोश भी है और मुझे लगता है कि सब जगह पे टिकट विकेट सब फुल हो जाएगी और एवरीवेयर गरबा ही गरबा रहेगा और बाकी सब अगर गवर्नमेंट 12 बजे तक कर दे तो बहुत ही अच्छा है हम लोग के लिए। अच्छा, तो कौन सा ऐसा सॉन्ग है जो गरबे का आप लोग मतलब उसके पास रखते हैं?
अरे सब सॉन्ग पे सिरकते हैं, इसमें एक भी सोलो सॉन्ग नहीं है। उड़नी तो उड़ी उन्हें उड़ी उड़ी जाए, सो मैनी सॉन्ग ना आई डोंट सिंग, मुझे गावन नहीं फावतू, गाइस भी नहीं सकूँ, गा भी नहीं पाऊंगा मैं, लेकिन वो सॉन्ग्स हर एक सॉन्ग से जो उस पर बीट्स के साथ बजेगा और डीजे के साथ म्यूजिक बजेगा तो अपने आप थिरकन आ जाती है पाँव में। मेहता 65 इयर्स ओल्ड, लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि मैं वापस बच्ची बन गई। इतना मजा आया दिव्या मैम और हिरन भाई के साथ, और थैंक धर्मेश भाई कि जिन्होंने फ्री प्रोवाइड किया इसलिए हम लोग आ गए। लेकिन दो साल कोरोना के बाद आज पहली बार मन बोलते ना मन रख के हम लोग नाचे, बहुत खेले, दिल खोल के खेले, दिल खोल के खेले हम लोग। हाँ खेले खेले, बहुत खेले धर्मेश भाई के साथ, हम लोग को मजा आया। वही एक्साइटमेंट है, जबरदस्त 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 जबरदस्त।